फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल नंबर 4 हम हल करते हैं। देखते हैं कि हमें क्या सिचुएशन दी गई है। अ बॉय थ्रोज अ बॉल अपवर्ड, एक लड़का बॉल ऊपर थ्रो करता है, ये लड़का है बॉल ऊपर थ्रो करेगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ। कहाँ से? क्लिफ के टॉप से, क्लिफ के टॉप टॉप पे ये मौजूद है विद द स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से? 14.7 मीटर पर सेकेंड से ऊपर थ्रो करेगा। ऑन द वे डाउन, जब बॉल नीचे आ रही होगी, इट जस्ट मिसेज द थ्रोवर, थ्रोवर को मिस करेगी एंड फॉल्स द ग्राउंड 49 मीटर बिलो। ठीक है, जैसे ही थ्रोवर को मिस करेगी ये 49 मीटर से यहीं से ग्राउंड पे नीचे गिर जाएगी। हमने क्या बताना है? हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेस, कितना वक्त लगेगा बॉल को ऊपर जाने में। हाउ हाई इट गोज, कितना ऊंचा ये जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है ऊपर जाने के लिए। हाउ लॉन्ग इट इज इन द एयर, कितना वक्त लगेगा इसको एयर में, कितना टाइम रहेगी ये, यानी ऊपर गई और नीचे आई, ये पूरा टाइम है एयर में रहने का। तो हमें टोटल टाइम बताना है ऊपर जाने का भी नीचे आने का भी। एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, यानी जब ये नीचे आ रही होगी तो किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी। तो चलिए हम देखते हैं एनिमेशन। ठीक है जी, बॉल ऊपर गई है, बॉल रुकी, देन इट मिस द थ्रोअर एंड फॉल्स 49 मीटर बिलो डाउन द ग्राउंड। ओके, वंस अगेन अब हम क्लोजली देखते हैं स्टेप वाइज सिचुएशन, अपवर्ड मोशन के लिए देखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, ये जो रेड आपको वेक्टर नजर आ रहा है, इस इट इज पॉइंटिंग अपवर्ड, ऊपर की जानी पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या डायरेक्शन है? अब ऊपर की जानी में डायरेक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रेड में है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ऊपर, कितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा ये हमने वैसे भी बताना है कि हाउ हाई इट गोज। अच्छा, वेलोसिटी जो है वो आप ये वाला वेक्टर देखें, पर्पल वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये जो ग्रेविटी है वो ज़मीन की तरफ एक्ट कर रही है। ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है? या तो वेलोसिटी को बढ़ाता है या कम करता है। अगर ये वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेगा? ये वेलोसिटी को कम करेगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हमेशा अर्थ की जानिब एक्ट करती है, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, ऊपर जाते हुए वेलोसिटी को कम करेगा। तो ये वेलोसिटी वेक्टर रेगुलरली कम होता रहेगा, ग्रेविटेशनल वेक्टर कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी लेंथ ना कम होगी ना बढ़ेगी, क्योंकि हम जो भी सवाल हल कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में या हमने मैट्रिक में किया, जो भी हम मैकेनिक से भी सवाल हल कर रहे हैं उसमें हम कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर काम कर रहे हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक एग्जांपल है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की। तो ये वेक्टर तो सेम रहेगा ग्रेविटी का, ये वेक्टर ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी कम होती रहेगी क्योंकि अपोजिट है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, तो देखते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी एक टाइम आया, वेलोसिटी ऊपर जाके जीरो हो गई, ऊपर गई तो कितना टाइम लगा? 1.5 सेकेंड, ये हमने निकालना है। हाउ लॉन्ग इट राइजेज और हाई, हाउ हाई इट गोज, कितना ऊंचा जाएगी, कितना डिस्प्लेसमेंट, तो 11.03 भी हमने निकालना है। वापसी में हमने क्या बताना है कि टोटल टाइम हमने बताना है ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमें नीचे आने का भी टाइम चाहिए ताकि हम टोटल टाइम ऐड कर सकें ऊपर जाने के लिए और नीचे लाने के लिए भी। और हमने क्या बताना है, किस वेलोसिटी से ये ज़मीन पर स्ट्राइक करेगी। ठीक है जी, अच्छा, नीचे आने वाली सिचुएशन में आप देखें, ये नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डाउनवर्ड के लिए, ये ग्रेविटी वेक्टर है। ठीक है जी, ये उतना ही रहेगा, कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है डाउनवर्ड का। अच्छा, नीचे आते हुए क्या हुआ, ऊपर जाते हुए क्या हुआ था कि 14.7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से बॉल ऊपर थ्रो की गई थी, तो ग्रेविटी के अपोजिट होने की वजह से हर एक सेकंड में 9.8 की कमी आ रही थी। तो 14.7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी कितने सेकंड में ख़त्म हो गई 9.8 की कमी से? 1.5 सेकंड में ख़त्म हो गई। अब जब ये ऊपर जाकर जीरो हो गई वेलोसिटी, तो ग्रेविटी अब भी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। ठीक है, तो अब क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन में नीचे आना शुरू हो जाएगा और हर एक सेकेंड में 9.8 का इजाफा होने लग जाएगा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। इट मीन्स इससे हम ये भी रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना वक्त लगेगा ऑब्जेक्ट को नीचे आने में उतनी ही स्पीड से ये नीचे ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा। अगर एक सेकंड लगेगा तो ग्रेविटी क्योंकि 9.8 है, तो जीरो से सिर्फ 9.8 का ही इजाफा हो पाएगा वेलोसिटी का, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगी।
अगर 2 सेकंड मिल गए तो 9.8 1 सेकंड में, और अगले सेकंड में भी 9.8 का इजाफा होगा ग्रेविटी की वजह से वेलोसिटी में, तो 19.6 से स्ट्राइक करेगा। तो इट मीन्स कि जितनी हाइट से हम बॉल को फेंकेंगे उतना ही वक्त उसको नीचे ज़मीन तक पहुंचने में लगेगा और उतनी ही स्पीड से स्ट्राइक करेगी बॉल। तो एक तो ये रिजल्ट भी हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, ये वेलोसिटी वेक्टर देखें, क्योंकि वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर रेगुलरली इंक्रीज होता रहेगा और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें पता लग जाएगा डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, तो डाउनवर्ड में कितना डिस्प्लेसमेंट लगा? 60.3। लड़के तक का कितना डिस्प्लेसमेंट था? 49, यानी कि जब इसने थ्रोवर को मिस किया तो 49 मीटर डिस्प्लेसमेंट था, ये 50 तकरीबन, ये 49, और इसमें अगर आप ऐड कर देंगे ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट 11.03 जो एडिशनल डिस्प्लेसमेंट था 49 में, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड का पता लग जाएगा। ठीक है जी, ये भी हमने न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्योंकि अगर हम 49 मीटर रख के हल करेंगे तो हमें सिर्फ टाइम कितना पता लगेगा 49 मीटर से नीचे तक का, हमें ये वाला टाइम नहीं पता लग पाएगा 11.03 वाला। तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तभी हमें इस डाउनवर्ड मोशन का टाइम पता लग पाएगा। चलिए एक दफ़ा फिर से हम एनिमेशन देख लेते हैं, फिर हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखें वेलोसिटी वेक्टर कम हो रहा है एंड देन इट मिसेज द थ्रोवर एंड 49 मीटर बिलो इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है जी, हमारा क्या न्यूमेरिकल है? अ बॉय थ्रोज अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ विद द स्पीड ऑफ 14.7 मीटर पर सेकेंड। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या बताई गई है? 14.7 मीटर पर सेकेंड। ऑन द वे इट्स डाउन, ऑन द वे डाउन इट जस्ट मिसेज द थ्रोवर एंड फॉल्स द ग्राउंड। जब थ्रोवर से मिस होगी तो 49 मीटर बिलो जाके नीचे गिरेगी। हमें क्या कुछ बताना है यहाँ पर? हाउ लॉन्ग द बॉल राइजेज, ऊपर जाने के टाइम को मैं T1 कह रहा हूँ। हाउ हाई इट गोज, कितना ऊँचा ये जाएगी, यानी H1 हम कह देते हैं। ये हमने मालूम करना है। हाउ लॉन्ग इट इज़ इन द एयर, कितना वक्त रहेगी, टोटल टाइम हमने बताना है। T कह देते हैं क्योंकि ऊपर जाने वाले टाइम को और हाइट को या डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा है? 1 से रिप्रेजेंट किया। नीचे आने वाले को हम T2 से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी T2H2 से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? टी से। एंड विद व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, तो हमने VFB बताना है। तो हमने दोनों डेटा के लिए सेपरेट काम करना पड़ेगा। हमने लास्ट न्यूमेरिकल में देखा था कि हम डिफरेंट डेटा क्यों बनाते हैं, अपवर्ड के लिए डेटा क्यों सेपरेट बनाते हैं और डाउनवर्ड के लिए सेपरेट डेटा क्यों बनाते हैं। और यहाँ थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा न्यूमेरिकल है। हमें सिर्फ दो चीज़ें यहाँ बताई गई हैं और बाकी पूछा गया है। तो हम जो एडिशनल मालूम है, क्योंकि ये फ्री फॉल मोशन है तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन हो सकता है और वो फिक्स्ड है। वो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो है -g, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो हमें फ्री फॉल में जो है फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन ले यही लेंगे। माइनस का मकसद क्या है? क्योंकि हमने जो अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है वो ऊपर प्लस में लिया है। ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट प्लस में होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी वो हमने देखना होगा कि वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, यह वेलोसिटी कम हो रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी कम है तो Vf माइनस Vi क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है इस सिचुएशन में, तो हम माइनस में जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। ठीक है जी, तो ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी प्लस रहेगी और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव रहेगा। ओके, Vi क्या है ऊपर जाने वाली सिचुएशन में? हमारे पास Vi है 14.7 मीटर पर सेकेंड, और हमें मालूम है जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो 9.8 माइनस 9.8 का क्या मतलब है? इस वेलोसिटी में तो दिली आती रहेगी, कमी आती रहेगी। एक सेकंड बाद हर एक सेकंड में 9.8 की कमी आएगी, तो 14.7 से एक सेकंड बाद जब 9.8 कमी आ जाएगी तो 14.7 में से माइनस कर दें आप 9.8, ठीक है, और फिर अगले सेकेंड में मजीद कमी आ जाएगी, तो टोटल ये 1.5 सेकेंड में ख़त्म हो जाएगी जैसे हमने न्यूमेरिकल में
सिमुलेशन में हमने देखा था। तो ऊपर जाकर एक टाइम पर ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लगा हुआ है तो लाजमी दो वेलोसिटीज होंगी, एक इनिशियल जो पहले थी और जो एक्सेलरेशन की वजह से तब्दील होकर हो गई, कितनी हो गई, जीरो। तो ये डाटा हमें मिल गया है एक्सेलरेशन और बी एफ, ये फ्री फॉल मोशन में हमने सिचुएशन को देखते हुए निकाल लिया है। अब हम टी वन मालूम कर सकते हैं इजीली, किस तरह मालूम कर सकते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ वी आई और ए मौजूद है, वी एफ वी आई और ए मौजूद है, चार में से तीन अननोन मौजूद हैं, वी एफ दो, दूसरा अननोन वी आई, तीसरा अननोन एक्सेलरेशन और टाइम चार अननोन है, चार में से तीन मौजूद हैं तो चौथा हमें पता लग जाएगा। ठीक है जी, वी एफ क्या है हमारे पास, जीरो, वी आई क्या है 14.7 प्लस 9.8, माइनस का 9.8 आएगा और टी की जगह टी वन हम लिख देते हैं, ये माइनस का 9.8 टी वन इक्वल की दूसरी साइड जाके प्लस का 9.8 टी वन हो जाएगा और ये हो जाएगा 14.7 और टी वन बराबर आ जाएगा 14.7 डिवाइडेड बाय 9.8, तो टी वन बराबर आ जाएगा 14.7 डिवाइडेड बाय 9.8, 1.5 सेकेंड। ठीक है जी, यही हमने एक्सपेक्ट किया था, 1.5 सेकेंड आना चाहिए, तो 1.5 सेकेंड आया। हमने ये भी निकालना है कि हाउ हाई इट गोज, टी वन निकाल लिया हमने, एच वन निकालना है। तो एच के लिए हम जो है दो सिचुएशंस हैं हमारे पास, या तो हम एस एस इक्वल टू वी आई डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हैं, और दूसरी चॉइस क्या है हमारे पास, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से निकाल सकते हैं। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूंगा क्योंकि इस सिचुएशन में वी एफ जीरो है, तो यहाँ मैं जीरो का स्क्वायर रखूंगा वी एफ की जगह, तो जीरो हो जाएगा, एक टर्म खत्म हो जाएगी। तो ये हमारे लिए इसको सॉल्व करना इजी है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, तो इसको हम हल करते हैं, टू की जगह एस ही रहेगा, टू रहेगा, ए की जगह माइनस 9.8 आ जाएगा, एस हमने निकालना है जिसको हमने हाइट का है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में हम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम हाइट में चेंज कर देते हैं। ओके, वी एफ का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर 14.7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 होगा माइनस 19.6 एच वन, ये हो जाएगा माइनस 14.7 का स्क्वायर 216.09। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एच वन आ जाएगा 216.09 डिवाइडेड बाय 19.6, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एच वन का जो आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 19.6, 11.025। ठीक है जी, 11.025 मीटर, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं, तो ये ऊपर की सिचुएशन के लिए ये हमारे पास टी वन भी आ गया है, एच वन भी आ गया है। अब डाउनवर्ड मोशन के लिए हम काम करते हैं, तो डाउनवर्ड मोशन के लिए आपने याद रखना है हमें सिर्फ 49 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, हाइट दी हुई है हमें, उसमें ये एडिशनल हाइट जो है वो ऐड करनी है, जो एक्स्ट्रा हाइट है वो हमें ऐड करनी है। ठीक है, जो क्या है 11.025 या 11.03, क्योंकि जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, टोटल हाइट रखेंगे, तभी हमें उसका टाइम पता लग पाएगा, वरना 49 मीटर रखेंगे तो सिर्फ 49 मीटर तक का ही टाइम पता लगेगा हमें। तो डाउनवर्ड के लिए हम डाटा जो है वो बना लेते हैं, डाउनवर्ड के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से 0 से स्टार्ट हुआ है और हर एक सेकेंड में 9.8 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। अच्छा, यहाँ हम सिचुएशन में क्या करते हैं, डाउनवर्ड मोशन के लिए लास्ट नोमेरिकल में मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्लिप नहीं किए थे डाउनवर्ड मोशन में, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस फ्लिप करके देखते हैं कि उसमें हम किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की क्या साइन होगी, वेलोसिटी की क्या साइन होगी और एक्सीलरेशन की क्या साइन होगी। ठीक
ठीक है जी। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्योंकि आर्बिट्ररी चॉइस है, आप कैसे भी बना सकते हैं, आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ा नंबर है और इनिशियल छोटा है। जब फाइनल में से इनिशियल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या क्या जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह से जो साइन वेलोसिटी की है, डिस्प्लेसमेंट की है, वही डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी, तो ये भी पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन को हम ऐसे नहीं बता सकते, हमने क्या देखना होगा? वेलोसिटी में तब्दीली, क्या वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? तो हमने देखा डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी वी एफ ज़्यादा है, वी आई कम है। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी होता है, तो वी एफ माइनस वी आई पर डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। वी एफ ज़्यादा है, वी आई कम है, तो पहले वाला बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटा नंबर जाएगा तो पॉजिटिव, तीनों चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, तो वी आई हमने निकाल ली है, और क्या हमें मालूम है इसके अलावा? हमने टोटल हाइट निकालनी है। ठीक है, एच टू, एच टू बराबर होगा जो हाइट हमें दी गई है, एच जो हमने यहाँ लिखी है 49 मीटर, और प्लस एच वन जो हमने अभी निकाली है। एच क्या है? 49 प्लस 11.025, तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी 60.025 मीटर। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? डाउनवर्ड मोशन के लिए वी एफ मालूम करना है, ठीक है, और टोटल टाइम भी हमने मालूम करना है, वो हम इसके बाद निकालते हैं। तो पहले तो हम टी टू भी हमें मालूम करना पड़ेगा टोटल टाइम के लिए। ठीक है जी, एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा? प्लस का जी होगा, क्योंकि तीनों प्लस में ही होंगे हमारी सिचुएशन के हिसाब से, तो हम रखेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम टी मालूम करेंगे, यहाँ डाउनवर्ड मोशन के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम मालूम करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम करने के लिए हमें वी एफ भी पता होना चाहिए और वी आई भी पता होना चाहिए। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से दो अननोन हो जाएंगे, तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं कर सकते। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो जाए। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, हम क्यों नहीं निकाल सकते? हमें टी भी पता करना है, वी एफ भी पता करना है, चार में से दो अननोन है, तो हम नहीं इस इक्वेशन को नहीं लगा सकते। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज़ करेंगे। एस हमें मालूम है जो डाउनवर्ड के लिए हाइट है एच टू, ठीक है, वो कितनी है? 60.025। वी आई हमें मालूम है ज़ीरो, टी प्लस हाफ ए प्लस का 9.8 है, वी हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 60.025। ये ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टी ज़ीरो हो जाएगा, और 9.82 से डिवाइड होगा तो 4.9 टी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम टी टू कह देते हैं क्योंकि डाउनवर्ड के लिए टाइम है ये, तो टी टू का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 60.025, और 4.9 डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60.025 डिवाइडेड बाय 4.9। तो जो टाइम आ गया टी टू स्क्वायर आ गया है 12.25, इसका स्क्वायर है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो टी टू बराबर आ जाएगा 3.5 सेकेंड। ये हमारे पास टाइम आ जाएगा नीचे आने के लिए, जो बॉल नीचे आएगी। ठीक है जी, टोटल टाइम हमने मालूम करना है, टी बराबर होगा टी वन प्लस टी टू, अपवर्ड में जितना टाइम लगा और डाउनवर्ड में जितना टाइम लगा। तो टोटल टाइम आ जाएगा, टी वन क्या है हमारे पास? 1.5 सेकेंड, टी टू क्या है? 3.5 सेकेंड। ये रहा टी वन हमने निकाला था, ये टी टू अभी हमने निकाला है, तो टोटल टाइम इस तरह से आ जाएगा 5 सेकेंड। ठीक है, अच्छा, हमने वी एफ भी निकाल ली है, तो वी एफ फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हम टी टू का यूज़ करेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है वो डाउनवर्ड मोशन का हिस्सा है। तो हम सिंपल लगा सकते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसमें टी टू यूज़ करेंगे क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का ऊपर अपवर्ड जाने से कोई ताल्लुक नहीं है। थोड़ी सी यहाँ स्पेस बना लेते हैं,
ठीक है जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या है हमने मालूम करनी है, वी आई जीरो है सिचुएशन में, प्लस एक्सेलरेशन प्लस का 9.8 है, टी हमने अभी निकाला है 3.5 सेकेंड। ठीक है जी, टी टू हम रखेंगे डाउनवर्ड मोशन में, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाई 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई बाई 9.8 34.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, हमारा जो ऊपर जाने में टाइम लगा वो 1.5 सेकंड लगा, कितना हाई गया 11.025 गया, टोटल कितना टाइम लगा 5 सेकंड लगा, और किस वेलोसिटी से स्ट्राइक किया 34.3 मीटर पर सेकंड, यानी 3.5 सेकंड उसको लगेंगे बॉल को नीचे गिरने में, और 0 से 9.8 पहले सेकंड में इजाफा होगा, दूसरे सेकंड में फिर 9.2 होगा तो 19.6 हो जाएगा, इसी तरह से तीसरे सेकंड में फिर 9.8 ऐड कर लें, और फिर जो है वो 9.8 का हाफ यानी 4.9 ऐड कर लें तो आप 34.3 बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपके पास फाइनल वेलोसिटी और ये सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं।